हेलो दोस्तों दोस्तों आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर नहीं पता तो फिर बताता हूँ। ये फोन मैंने परचेस किया है, ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू करा जाए और अनबॉक्सिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या क्या निकला है, आपको क्या क्या मिलेगा इसके साथ में, चार्जिंग वगैरह, और क्या क्या इसमें प्रॉफिट मिलेगा इसके साथ में, ठीक है, वो डिब्बा खोलने के बाद ही पता चलेगा आपको। और इसका नाम क्या है दोस्तों, ये आईटेल का है, आईटेल एंड्रॉयड में नहीं है, ठीक है, ये कीपैड के लिए, कीपैड जो लोग फोन लेते हैं उनके लिए है सिर्फ, कि यानी कीपैड में कौन सा फोन अच्छा होता है, ठीक है। बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया है, मैं खुद बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है। और इसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया है, इसके डिस्प्ले भी अच्छी है क्योंकि काफ़ी बड़ी है, और टॉर्च है, ठीक है, तीन चीज़ें बहुत ही बढ़िया है। और आप देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या निकला है और कैसे हो, तो वीडियो पूरा देखना। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा नाम अनित कुर्मी, आप देख रहे हैं ऑल लंच में, आपका स्वागत दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मेरा फ़ोन मेरे सामने है, इसका नाम है आईटेल पावर 410। तो मैं यहाँ पे आपको डिवाइस बॉक्स को खोल के दिखाऊंगा, ठीक है, इसमें क्या क्या निकलेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, मॉडल नंबर वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और इसे कुछ साइड में यहाँ पे इसको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, आप इसमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे बैटरी बैकअप है, वाइब्रेशन वगैरह, और इसमें फ़ोटो कितने आएंगे, गैलरी में कितने आएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर कितने आएंगे, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर फीचर्स दे रखे हैं, आपको क्या क्या फीचर इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोबारा से, यहाँ पे क्या मिल रहा है, आप यहाँ बोलने वाला सिस्टम मिलेगा, यहाँ आपने देखा होगा अगर कुछ फ़ोन में बोलता होता है, ठीक है, किसका फ़ोन आ रहा है, किसका क्या, यानी सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। बैटरी आपको मिलेगी 2500 mAh की, तो आप यहाँ पे देखा, ठीक है, यहाँ पे साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है आईटेल पावर 410, यहाँ से कुछ और नहीं है, बस इस तरीके से हमारा जो फ़ोन है बहुत ही बिंदास है, ठीक है। इसमें दो कलर आते हैं, एक ब्लैक में आता है, एक ब्लू में आता है, ठीक है, आपको जो सा पसंद आए वो ले सकते हैं, क्योंकि आपकी पसंद है, ठीक है। रेड कम्बल हो सकते हैं, 50 से 100 रुपये बीच में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसे डिब्बे बॉक्स को खोल लेता हूँ और उसमें देखते हैं क्या क्या ऑल निकल रहा है, इसके साथ में क्या क्या मिल रहा है। जैसे कि हम डिब्बा यानी कि जो बॉक्स लेते हैं, या कि दुकानदार कभी कभी झूठ बोलता है कि इसमें यह और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो ये फ़ोन रहा, ठीक है, आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है, ठीक है, अच्छा, बहुत, इसकी लोकेशन जो भी है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अच्छा फ़ोन इसलिए बता रहा हूँ, स्पॉन्सर ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं लाइट, मेन चीज़ है इसमें लाइट, ये चार लाइटें हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइटें हैं, अगर आप लाइट के चक्कर से ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बैटरी के लिए बहुत ही बिंदास है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा लाइट है। तो और देखते हैं इसमें साथ में क्या है, इस बॉक्स को इस तरीके से हटाया और यहाँ से खोल लिया, ठीक है, और साथ में देख पा रहे हैं इसमें और कुछ नहीं है फिलहाल में, एक बैटरी दिखाई दे रही है मुझे, तो इसे बैटरी भी देखते हैं। और फ़ोन रखा मैंने यहाँ पे पास में, क्योंकि फ़ोन के साथ साथ आपको एक बैटरी मिलेगी इसमें डालने के लिए, तो मैं इस बैटरी को निकाल लेता हूँ और देखते हैं इस पर कितनी MAH की बैटरी लिखी हुई है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, बताती कितना है और निकलता कितना है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 2500 mAh की बैटरी भी है, आपको 3.7 यानी कि वोल्टेज इसका मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 3 पे नहीं है आपको, इस तरीके से बैटरी भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे कुछ इसकी वही कागज़ वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, और वारंटी कार्ड वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, वही और कुछ नहीं होता है फिलहाल में, ये तो फालतू के कागज़ होते हैं कि आपको क्या सेटिंग करना है क्या नहीं। और साथ में देखते हैं इसमें क्या मिला है, तो दोस्तों इसमें साथ में एक हमें एक चार्जर मिला है, क्योंकि हम चार्जर भी देखते हैं, ये फिलहाल में सही चार्जर लग रहा है फ़ोन करने के लिए, इसमें चार्ज करने के लिए, ठीक है, तो इसे देखा हमने, और हाँ आप देख सकते हैं USB टाइप इसमें है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हम लगाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो फिलहाल में हम दो ही इसमें सोच आ रहे हैं, क्योंकि दो ही सही रहते हैं, तीसरा तो ज़्यादातर हमने देखा होगा बहुत कम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो चार्जर है बढ़िया क्वालिटी का है फिलहाल में, और चार्ज भी जल्दी कर देता है, ठीक, हाँ चार्ज जल्दी नहीं करेगा, मेन चीज़ अगर किसी तगड़ा फ़ोन की बैटरी ज़्यादा तगड़ी है तो उसी हिसाब से लेट चार्ज करेगा, जो फ़ोन ज़्यादा बैटरी रुकेगा वो चार्ज थोड़ा लेट करेगा, यानी ज़्यादा टाइम लेगा चार्ज करने में, जिसके उससे रुकना भी तो ज़्यादा टाइम है, ठीक है। और साथ में इस देख रहे हैं, और साथ में हमें एक हेडफोन भी मिली है, तो हेडफोन भी बढ़िया है, हाँ ये बढ़िया लग रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है, बढ़िया है, नॉइस वगैरह थोड़ी कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं उससे, आप वीडियो भी शूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साथ में आपको मैंने ये फ़ोन में बैटरी डाल दी है, और देख सकते हैं इस तरीके से हमारा फ़ोन खुल गया है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये लाइट के चक्कर से आपको धुंधला मुलना पड़ता होगा, क्योंकि इसमें ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा ही है उनमें, ठीक है, तो आप सकते हैं यहाँ पर नेट वगैरह सारी चीज़ शो करा दी जाएगी, और देख पा रहे हैं बहुत अच्छी है, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चलिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।